हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ काम करने के लिए, और ये वाली ड्रेस जो है मुझे बहुत कंफर्ट देती है, बहुत मतलब नरम है। तो मैं इसे पहन के अपना जो घर का क्लीनिंग है वो स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं हर टाइम क्या करती हूँ, जब क्लीनिंग होता है मेरे कुछ कुछ ड्रेसेस है जैसे मैं निकाल लेती हूँ पहनने के लिए। तो अभी क्लीनिंग का टाइम हो चुका है, सुबह का टाइम है। बैठ के मैं गर्म पानी पी रही थी और सोचा चलो फ्रेश हो गई तो फटाफट से अपना काम जो है स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन बहुत हेक्टिक होती है। हेक्टिक इसलिए होती है कि सुबह सुबह उठ के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, तो जब काम करते हैं ना बहुत हेक्टिक फील होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो गर्म पानी पी के थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद मैं अपना जो काम है वो स्टार्ट कर लूँगी। पहले तो किचन में चलते हैं, किचन क्लीनिंग करना है, बहुत सारे कपड़े हैं हस्बैंड के उसको सोख करना है, उसके बाद उसको साफ़ सफाई करना है। और बाथरूम तो एक तो मैंने कल ठीक ठाक कर लिया था, साफ़ कर लिया था, और एक है बाथरूम उसको तो मुझे मतलब जब नहाने जाऊंगी तभी करूंगी। तो चलिए पहले तो घर का क्लीनिंग थोड़ा सा कर लेते हैं, और थोड़ा सा गर्म पानी है उसको मैं पी लेती हूँ, उसके बाद जो घर का क्लीनिंग है मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए फटाफट से ये क्लीनिंग सारे स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद बाबू अभी सो रहा है ना, तो जितने जल्दी हो सके घर का क्लीनिंग सार सजावट जो है मैं कर लूँ, उसके बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं काम, और उसके बाद खाना बनाना है। खाने में आज क्या बनाऊँगी? आज ये वेनेसडे, तो वेनेसडे में क्या बनता है? थोड़ा सा नॉनवेज बनता है, तो इसलिए फिर से एक है, तो बाबू को फिश बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मसाले वाले फिश थोड़ा सा बना दूँ इसके लिए। और हस्बैंड गए हैं अपने टूर पे, तो वो अभी नहीं आएंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाती उनके लिए खाना बनाऊँ सुबह सुबह उठ के। वो सारी चीज़ मतलब कैमरा ऑन करके मैं काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए बहुत हड़बड़ी रहती है। तो मुझे थोड़ा सा फ्री मैं हूँ, जो भी डेली यूज़ में मैं काम करती हूँ डेली रूटीन जो है मेरा आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो चलिए मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ मेरा डेली रूटीन, डेली काम क्या रहता है। ये जो बर्तन है ये मैंने रात को क्लीन कर लिया था, तो पहले इसको थोड़ा सा रख लेती हूँ, जगह थोड़ा सा स्पेस बना देती हूँ। और जो भी सामान है जैसे बॉटल्स है और ये कुछ कुछ डब्बा है, इसको भी क्लीन करना है, वो सामान क्या करती हूँ वॉश बेसिन में डाल देती हूँ क्लीन करने के लिए। उसके बाद इस काउंटर टॉप को मैं साफ करती हूँ, तो थोड़ा सा स्पेस भी बन जाएगा और फटाफट से क्लीन भी हो जाएगा। सारी प्यारे बैग्स है ना, बहुत ज़्यादा आता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया है, तो ये सारे सामान को मैं अंदर डाल देती हूँ। इस जगह भी थोड़ा सा क्लीन करके रख लेती हूँ। Oh,
गाइस, तो लंच करने के बाद मैं सो गई थी और इस थायराइड की वजह से ना तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पता नहीं इतनी सर्दी क्यों लग रही है मुझे, और सर्दी में नाक बिल्कुल भी खुल नहीं रहा है और बदन में इतना दर्द है, बॉडी पेन इतना ज़्यादा कर रहा है कि मैं बोल भी नहीं सकती। अभी तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उठ के आने के लिए, और क्या करती ना जब दोपहर को थोड़ा सा भी सो जाती हूँ, रात पर बिल्कुल भी नींद नहीं आता है, तो इस वजह से मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि रात भर जगना और उसके बाद लेट से उठना, फिर ये सब नहीं होता है मेरे से, मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और मैं खाने के बाद, लंच के बाद किचन साफ को नहीं कर पाई, मैं थोड़ा सा जाकर रेस्ट कर रही थी और अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। पहले मैं चाय पीऊँगी, गर्मा गर्म चाय पी लेती हूँ। बाबू के लिए डोसा बनाऊँगी, डोसा का बैटर यहाँ पे है और मैं तो बनाई थी बट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। डोसा का बैटर है, उसके लिए थोड़ा सा डोसा बनाऊँगी। बस अभी तलब लगी है गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। ओके, डोसा खाना है आपको? ठीक है चलो। और किचन बहुत गंदा पड़ा है तो उसको थोड़ा सा साफ करना है, तो चलिए बाबू के लिए डोसा बना देती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों।